हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटीआई होल्डर्स के लिए कुछ महीनों पहले तीन विभागों की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। पहला जो था वो सीपीआरआई, दूसरा एनएचपीसी लिमिटेड, तीसरा ऑयल इंडिया लिमिटेड। और रिसेंटली अभी एनएचपीसी का फॉर्म फिलअप हुआ था, लास्ट डेट इसका 30 जून था। तो गाइस, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि तीनों विभागों की ओर से सभी का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो सभी का जो लिंक है डाउनलोड करने का, वो itieducation.com वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्टली itieducation वेबसाइट ओपन कर लीजिए और एडमिट कार्ड के सेक्शन से इन सभी का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग इस पर लिंक पर क्लिक करके आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप सभी itieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा गाइस। सीपीआरआई का एडमिट कार्ड जो है वो कैसे डाउनलोड करना है, मैं वो आप लोग को बता देता हूँ। तो गाइस, सीपीआरआई का एग्ज़ाम इस बार टीसीएस कंडक्ट कराएगी, क्योंकि इस बार इनका जो एडमिट कार्ड हो रहा है वो टीसीएस के वेबसाइट से ही हो रहा है। तो इस बार आप लोग का टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी ये जो सीपीआरआई, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोग तो पहले वेबसाइट पर चले जाइएगा, आप लोग को वहाँ से लिंक मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप लोग इनके टीसीएस के वेबसाइट पर चले आएंगे, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल कर दीजिए, आपका जो भी एप्लीकेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर DDMAYY में फॉर्मेट में देना है, उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करके आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। किन्हीं को डाउट वगैरह आता है इन तीनों में से किन्हीं का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो itieducation786@gmail.com पर आप लोग अपना डिटेल शेयर कर दीजिएगा, तो मैं आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके शेयर कर दूंगा, या व्हाट्सएप भी शेयर कर सकते हैं। ये तो हो गया सीपीआरआई का, मैं नेक्स्ट एनएचपीसी का बता देता हूँ उसका कैसे डाउनलोड करना है। एनएचपीसी का भी एग्ज़ाम टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी, इनको भी टीसीएस को ही टेंडर मिला है एनएचपीसी का। तो इसका भी डाउनलोड करने के लिए आप सभी को दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो यूज़र आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिल करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे, लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे एनएचपीसी लिमिटेड। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकला था एनएचपीसी में ड्राफ्टमैन का निकला था, बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए थे, और सीपीआरआई में टेक्नीशियन का निकला था। अब मैं ऑयल इंडिया लिमिटेड का ही बता देता हूँ। तो गाइज, ऑयल इंडिया लिमिटेड का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसका भी लिंक itieducation.com वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर और उसी स्टेट के लिए रिक्रूटमेंट आया था ये ऑयल इंडिया लिमिटेड में, तो वहीं के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। तो यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और यूज़र नेम आप लोग का 7 डिजिट का है, पासवर्ड यहाँ पे DDMAYY फॉर्मेट में आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। CPRI का जो क्वेश्चन पेपर है वो itieducation.com वेबसाइट पे अवेलेबल है, और जो NHPC लिमिटेड उसका एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस भी itieducation.com वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप सभी itieducation.com वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को सारा अपडेट मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।